जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में गलत बोल गए मोदी, जो मीटिंग अब तक हुई ही नहीं उसी का कर गए महिमा मंडन। दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने नए रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई आपने, इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनका छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, यहाँ के खान पान, यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के सामर्थ्य के बारे में बताया, उनसे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई, यहाँ की गौरव बढ़ा। रायगढ़ के कोंडा तराई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं और बीते 9 सालों की उपलब्धियों को प्रदेश की जनता के सामने रखा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की सफलता का परिणाम है G20 का सफल आयोजन। G20 में छोटे देशों को भी बड़ी भागीदारी मिली। पीएम मोदी ने कहा कि G20 को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ को जनता की भागीदारी रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने नया रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई आपने, इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनका छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, यहाँ के खान पान, यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के सामर्थ्य के बारे में बताया, उसने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई, यहाँ का गौरव बढ़ा। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस पीएम मोदी को एक बार फिर घेरने में लग गई कि जो मीटिंग हुई ही नहीं उसकी महिमा मंडन करके पीएम मोदी चले गए। बता दें कि नवा रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 की बैठक प्रस्तावित थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि G20 में जो मेहमान आए थे वो राष्ट्रपति ने भेजा दिया। उन्होंने मेहमानों को कोदी, कुटकी, रागी खिलाया जिसे आदिवासी किसान उगाते हैं। पीएम ने कहा कि मोदी का मिशन है जो छोटे आदिवासी उपज उगाते हैं वो ब्रांड बने। पिछले 9 सालों में दर्जनों वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।